Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And in this today's lesson, students, we are going to learn about the equation in one variable. And in this session, especially we are learning about the word problem. And we are doing here the practice set 12.2 in this session. So equation in one variable, word problems, and practice set 12.2 where we today practicing here. यहाँ पर आज के सेशन में बच्चों हम एक मतगयुरी मसवातें देख रहे हैं. इसमें हम यहाँ पर इबारती सवालात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही जो है तो प्रैक्टिस सेट 12.2 उसे हल यहाँ पर हल करेंगे. ओके, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इससे. जैसे कि आप देख रहे हैं, माय एज इज एक्स ईयर. इट इज जस्ट अज्यूम्ड हियर दैट माय एज इज एक्स ईयर्स. सो माय फादर age is 30 years more than my age. Means whatever be the age of the person, his father's age is 32 years more than that age. Second, my grandfather age is 10 years more than four times of my age. Grandfather age is 4x plus 10 years. We are supposed to assume here like this. Okay, if यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरी उम्र जो है तो x साल है, ठीक है, और मेरे वालिद की उम्र मेरी उम्र से 32 साल ज़्यादा है, ठीक है. It means the age of father will be x plus 32, ठीक है, 30 साल ज्यादा है ना. तो x हमने यहाँ पर अभी प्रेजेंट एज x फर्स्ट किया है, तो 32 साल बाद जो एज होगी वो x प्लस 32 होगी, ठीक है. इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे दादा जान की उम्र जो है तो मेरी उम्र के 4 गुना से 10 ज़्यादा है. ओके, माय ग्रैंडफादर एज इज 10 इयर्स मोर देन 4 टाइम्स ऑफ माय एज. इट मींस दैट द ग्रैंडफादर एज इज 4x प्लस 10 इयर्स. ओके, इस तरह से हम उसे लिखते हैं. किस तरह से लिखते हैं, दादा की उम्र जो है तो सॉरी ग्रैंड मदर है ना, यानी दादी की उम्र है. सो दादी की उम्र जो है तो 4x प्लस 10 ईयर्स आएगी इस तरह से, ठीक है. उसके बाद माय सिस्टर एज इज 4 ईयर्स लेस देन माय एज. अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र से 4 साल कम है, इट मीन्स सिस्टर एज इज एक्स माइनस 4 ईयर्स. ओके, यानी अगर बहन की उम्र देखी जाए तो वो क्या होगी, एक्स माइनस 4 ईयर्स होगी इस तरह से, ठीक है. इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मेरे दोस्त की उम्र जो है या माय फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माय एज. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे दोस्त की उम्र मेरी उम्र के निस से 5 ज़्यादा है. ओके, सो निस मीन्स हाफ. ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फ्रेंड्स एज इज एक्स अपॉन 2 प्लस 5 ईयर्स. इस तरह से हम लिखेंगे एक्स अपॉन 2 प्लस 5 ईयर्स. इस तरह से हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं. इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि माय मदर एज इज 3 टाइम्स माई एज.
यहाँ पर बता रहा है कि मेरी वालदा की उम्र मेरी उम्र का 3 गुना है. ओके, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज? इट इज एक्स. सो मदर एज विल बी 3x years. ओके, माँ की उम्र जो होगी वो क्या होगी? 3x होगी, 3 गुना यानी कि 3x इस तरह से. ओके, तो बच्चों ये चीज़ें सारी हमें अज्यूम करनी होती है और इसी से हमें मसावात तैयार करनी होती है. ठीक है, इस तरह से जो इबारती सवालात दिए जाते हैं उन सवालात में हमें जो है तो इस तरह से इबारत दी हुई होती है और इस इबारत को हमें सवाल में तब्दील करना होता है, उसके लिए हमें मसावात तैयार करनी होती है ना. तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर उम्र गुना में है तो हमने यहाँ पर किस तरह से लिखा है, 3x लिखा है ना, यहाँ गुना में है. मदर एज यहाँ पर जो दी है वो 3 गुना में आपने देखा, तो उसको 3x लिखा है ना. इसी तरह से आपने देखा यहाँ पर कि निसफ है यानी हाफ है ना, तो इस तरह से जो उम्र रहती है उसको बटे में लिखा जाता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है. इसी तरह से आपने देखा कि अगर कम है तो उसे माइनस में जाहिर किया जाता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर माई सिस्टर एज इज 4 years लेस देन माई एज, सो एक्स माइनस 4 विल बी हेयर. फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि माई ग्रैंड मदर एज इज 10 years मोर देन द 4 times. अब यहाँ पर अभी 4 times है यानी 4x हो गया, और ऑफ माई एज. सो यहाँ पर आप देखेंगे 10 को किस तरह से यहाँ पर प्लस 10 में दिखाया है ना. फिर माई फादर एज इज 32 years मोर देन माई एज, सो माई एज इज एक्स, सो माई फादर एज विल बी हेयर प्लस 30. सो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो स्टेप तैयार कर सकते हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं एक जो है तो प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट एग्जांपल? दैट रत्ना हैज 200 मोर देन 3 times ऑफ 3 times द अमाउंट रफीक हैज. इफ 300 फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना आर गिवन टू रफीक, द अमाउंट विद रत्ना विल बी 7/4 times the amount with Rafiq. Find the initial amount with Rafiq. To find the initial amount, complete the following activity. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रत्ना के पास रफीक की रकम के 3 गुना से 200 रुपये ज्यादा है. ओके, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ हम देख रहे हैं कि रत्ना हैज 200 मोर देन 3 times द अमाउंट रफीक हैज, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रत्ना के पास रफीक की रकम के 3 गुना से 200 रुपये ज्यादा है. अगर इफ 300 फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना आर गिवन टू रफीक, द अमाउंट विद रत्ना आर गिवन टू रफीक. आप देख रहे हैं कि अगर रत्ना के पास की रकम 300 रुपये रफीक को दिए जाएं तो रत्ना के पास की रकम रफीक की रकम का 7/4 हो जाती है. ओके, कितनी हो जाती है? 7/4 times अमाउंट विद रफीक. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज हेयर दैट फाइंड द इनिशियल अमाउंट विद रफीक. यहाँ पर हमें बताना है कि रफीक के पास इब्तदा में कितनी रकम थी और असल कीमत मालूम करने के लिए जो है तो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है. ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसे. द सॉल्यूशन, द अमाउंट विद रत्ना इज 200 मोर देन द 3 times द अमाउंट विद रफीक. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रत्ना के पास रफीक की रकम के 3 गुना से 200 रुपये ज़्यादा रकम है. ठीक है, नहीं रफी हमने फर्ज किया कि रफीक के पास जाए तो एक्स रुपया है. ठीक है, ये हमने यहाँ पर अज्यूम किया है. लेट द इनिशियल अमाउंट विद रफीक बी एक्स रुपीज़. सो
किस तरह से हम इसे यहाँ पर शो करेंगे कि रत्ना के पास जो रकम है वो कितनी है. सो द अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट विद रत्ना इज 3x+200. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके पास कितनी रकम है रत्ना के पास में. तो रत्ना के पास में 3x+200 है. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रत्ना के पास की रकम से 300 रुपये रफीक को दे दिए, तो रत्ना के पास अब कितने पैसे बाकी है. सो 3x+200 -300 हो जाएगा. ओके, सो यू विल सी हियर दैट द अमाउंट 3x-100, ठीक है, 200 में से 300 माइनस के तो 100 रिमेनिंग रहेगा, है ना. तो ये इतने बाकी रहे. नाउ रफीक हैज x+300 rupees. अब रफीक के पास के पैसे देखते हैं हम, तो वो x+300 है. तो रत्ना के पास बाकी मानदा रकम रफीक की रकम का 7/4 गुना होगी, है ना. द अमाउंट विद रत्ना इज 7/4 टाइम्स द अमाउंट विद रफीक इज. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द अमाउंट विद रत्ना एंड द अमाउंट विद इज अपॉन द अमाउंट विद रफीक इज 7/4. सो 3x-100/x+300 = 7/4. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो लेना होगा वो क्या लेना होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है ये और ये अमाउंट जो है, ठीक है. तो यहाँ पर हम जो है तो इसे इस अमाउंट को जो है तो 4 से ज़रब करेंगे और इस अमाउंट को जो है तो 7 से ज़रब करते हैं. ओके, तो यू सी है दैट 12x+4-400 = 7x+7 × 3 = 2100 rupees here. So you see here that 12x-7x = 2500 means 2100 + 400 will be 2500. So and the next step you will see here 5x = 2500 means 12 - 7 will be 5. So x = 500, है ना. 5×5=25 होता है यहाँ पर. सो इट विल बी 500. ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर x = हमें कितना मिलेगा, 500. इसका मतलब है कि द इनिशियल अमाउंट विद रफीक इज 500 rupees. ओके, लाइक दिस. तो इसी तरह से हमें बच्चों यहाँ पर जो है तो ये दीगर सवाल जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 12.2 दिया हुआ है उसमें से हमें जो हल करने हैं सवाल, इसी तरह से हमें हल करना है, ठीक है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, मदर इज 25 years old देन हर सन, फाइंड सन्स एज If after 8 years the ratio of son's age to mother's age will be 4/5 here. हमें यहाँ पर देखना है बच्चों कि माँ की मौजूदा उम्र बेटे की मौजूदा उम्र से 25 साल ज़्यादा बताई है. कितनी बताई है, 25 years यहाँ पर ज़्यादा बताई है. अब 8 साल बाद बेटे और माँ की उम्रों की निस्बत जो है तो 4/9 हो जाएगी. तो बेटे की मौजूदा उम्र हमें यहाँ पर बताना है. ओके, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम करेंगे दैट लेट द सन प्रेजेंट एज एज इज 8 इज एक्स ईयर, ठीक है. So the mother age is 25 years older than her son. यानी यहाँ पर हमने फर्स्ट किया पहले के बेटे की मौजूदा उम्र x साल है,
और माँ की उम्र बेटे की मौजूदा उम्र से 25 साल ज़्यादा है. ओके, सो देयरफॉर मदर प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 25 ईयर्स. ओके, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे माँ की मौजूदा उम्र जो है तो एक्स प्लस 25 ईयर्स है. ठीक है, एंड आफ्टर 8 ईयर्स सन एज विल बी एक्स प्लस 8 ईयर्स. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 साल बाद जो है तो बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स प्लस 8 ईयर्स. ओके, सो एंड मदर एज विल बी एक्स प्लस 25 प्लस 8 मीन्स एक्स प्लस 33 ईयर्स हो जाएगी. तो माँ की उम्र अगर हम देखेंगे तो एक्स प्लस 25 प्लस 8 इजिकल टू एक्स इजिकल टू 33 ईयर्स जो है तो यहाँ पर हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो यहाँ तक पहुँचे हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द गिवन द कंडीशन. अगर हम देखते हैं जो कंडीशंस यहाँ पर दी गई है उसके मुताबिक, तो सन एज एंड मदर एज इज 4/9, सो एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 33 इज इक्वल टू 4/9. तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो यहाँ हमने इस कॉस को जो है तो 9 से जब दिया है, इस कॉस को हमने यहाँ पर 4 से जब दिया है ना. तो स्टेप किस तरह से बनेगा, यहाँ पर 9 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 33. तो अब यहाँ पर इस कॉस को 9 से जब देंगे हम और इस कॉस को हम 4 से जब देंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 1 9 9 8 72 एंड 4 1 4 एंड 4 33 132. सो 9x प्लस 72 इज इक्वल टू 4x प्लस 132 विल बी हेयर. एंड नाउ यू सी दैट बाय अरेंजमेंट यू सी हेयर 9x प्लस माइनस 4x. ठीक है, यहाँ पर अब 4x जमा का है और बराबरी की अलामत किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, है ना. यहाँ पर जो 72 दिया हुआ है वो प्लस का 72 है ना, बराबरी की अलामत के इस तरफ आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा. ठीक है, तो यू सी है दैट 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 72. तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा और 132 में से माइनस करेंगे अगर हम यहाँ पर 72 तो यहाँ पर 60 बाकी रहेगा. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x इज इक्वल टू 60 मिलेगा. सो x इज इक्वल टू 60/5 यहाँ पर हमें लेना होगा इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 1 5 5 2 10. ओके, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12. यानी हमें यहाँ पर क्या समझ में आएगा, द सन प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स. क्या समझ में आएगा हमें कि बच्चे की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी है, 12 साल है. ओके, याद रखना है कि बच्चे की जो मौजूदा उम्र है वो 12 साल है. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन is greater than its numerator by 12 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1/2. So find the fraction. सवाल किस तरह से दिया है बच्चों, यहाँ पर सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कसर का नसवनुमा इसके शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है. अगर इसके शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें और नसवनुमा में 7 जमा करें तो वो कसर
एक बटे दो के मसावी हो जाती है, ठीक है। तो वो कसर हमें यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल इन टू 1/2। सो फाइंड द फ्रैक्शन हियर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट करना होगा कि कसर का जो शुमार कुंदा है वो x है, है ना। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 12। यहाँ पर जो है तो हम देखेंगे कि इसका नसब नुमा जो है तो शुमार कुंदा से 12 ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे द डिनोमिनेटर इज x प्लस 12। क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर? x प्लस 12 हो जाएगा, है ना, x प्लस 12। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कसर का नसब नुमा जो है तो x प्लस 12 हो जाएगा। तो आप देखेंगे द फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12 हो जाएगी, है ना। वो कसर क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी x अपॉन x प्लस 12, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी शुमार कुंदा जो है में दो तफरीक करने पर नया शुमार कुंदा जो है तो x माइनस 2 ये बनता है, ठीक है। द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, द न्यू न्यूमरेटर इज x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द न्यू डिनोमिनेटर इज x प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 19, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 19 इज इक्वल टू x प्लस 12 प्लस 7 ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो शर्त दी गई है उसके बिना पर अगर आप देखेंगे द कंडीशन विच इज गिवन हेयर। सो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर x 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 19। देयरफॉर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 19, therefore 2x minus x is equal to 19 plus 4. So you will see here that x plus 12 is equal to 23 plus 12 is equal to 35. So finally you will get here x upon x plus 12 is equal to 23 upon 35 here. सो इट मीन्स वो कसर जो है तो क्या है, वो कसर 23/35 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। द फ्रैक्शन इज 23/35, इस तरह से, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास is 13:7, find the weight of zinc here. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीतल में तांबा और जस्त के वजन का तनासुब 13:7 है, तो 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त की मकदार कितनी होगी वो हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि the ratio of the weights of copper and zinc is in brass is 13:7. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीतल और पीतल की मखलूत धात जो है इसमें तांबा और जस्त के वजन का तनासुब जो है तो 13:7 का है। हमने यहाँ पर फर्ज किया सबसे पहले कि यक्सा जौफ जो है तो एक्स है इसमें, है ना। सो लेट द वेट ऑफ द कॉपर बी 13
एक्स। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे द वेट ऑफ द जिंक इज 7x। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तांबे का वजन जो है तो 13x ग्राम है और जस्ट का वजन जो है तो 7x ग्राम है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशंस 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700 मीन्स 7 प्लस 13 विद बी 20x इज इक्वल टू 700। सो x इज इक्वल टू 700 अपॉन 20, सो x इज इक्वल टू 35। ओके, तो हम यहाँ पर ये बात समझ में आएंगी कि जस्ट का वजन जो है तो 7x ग्राम होगा। ठीक है, द वेट ऑफ जिंक इज 7x ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जस्ट का वजन मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर 7 × 35 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 245 ग्राम मिलेगा। ओके, द वेट ऑफ द जिंक इज इक्वल टू 7 × 35 इज इक्वल टू 245 ग्राम। सो आंसर वुड बी द वेट ऑफ द जिंक इज जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। पीतल के बर्तन में जस का वजन जो है तो कितना है वो है 245 ग्राम है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे एक अल्टरनेट मेथड के ज़रिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो सेम हमने यहाँ पर फर्ज किया कि लेट द वेट ऑफ द जिंक इन ब्रास यूटेंसिल बी एक्स ग्राम। यहाँ पे हमने फर्ज किया है कि पीतल के बर्तन में जस का वजन जो है तो एक्स ग्राम है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पीतल के बर्तन में तांबा और जस के वजन का तनासुब जो है तो 13:7 का है ना। The ratio of the weight of the copper and zinc brass is 13/7. So, the weight of the copper upon the weight of the zinc. So, 13/7. Then, you will get here the weight of copper upon x is equal to 13/7. यानी तांबे का वजन बटे x बराबर 13/7. यानी तांबे का जो वजन है द वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13x/7 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर शर्त के हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पर एज पर द कंडीशंस गिवन सो एक्स प्लस 13x/7 इज इक्वल टू 700। ओके, सो 7x प्लस 13x इज इक्वल टू 700 × 7। Therefore, 20x is equal to 700 × 7. So, x is equal to 700 × 7/20 means x is equal to 245. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। Similarly that कि the weight of the zinc in brass utensil is 245 ग्राम, यानी पीतल के बर्तन में जस का वजन जो है तो 245 ग्राम है। इसका मतलब ये है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ इसमें कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। यहाँ पर हमें 3 मुतवातिर मुकम्मल आदात का मजमुआ जिनका 45 से ज़्यादा है लेकिन 54 से कम है वो आदात मालूम करना है। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1। ओके, so let the 3 consecutive whole numbers are x, x plus 1 and x plus 2। हम देखते हैं कि दो मुतवातिर मुकम्मल आदात के दरमियान फ़र्क कितना होता है, एक होता है। तो फर्स्ट किया हमने कि 3 मुतवातिर मुकम्मल आदात क्या होंगे तो x और x plus 1 और x plus 2 हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x
and x plus 1 and x plus 2 is lesser than 45. So you see here that it would be 3x plus 3. Okay, so these are the 3x, and you will see here 1, 2 and this 3, and this 1 and 2 will be 3 here. So 3x plus 3 is greater than 45. So you will see here that 3x is greater than 45 minus 3, so it would be 3x greater than 42. So you will see here that you will get here 3x is equal to 14. So x is greater than 14. So x is equal to 14. X plus 1 is equal to 15. Plus 1 is equal to 16. Or x plus 2 is equal to 15 plus 2 is equal to 17. Okay. या फिर हम इस तरह से भी देख सकते हैं इसे कि x plus 1 plus x plus 2 is lesser than 54. So 3x plus 3 is lesser than 54. Therefore, 3x is lesser than 54 minus 3. So therefore 3x is lesser than 51. So x is lesser than 17, or x is equal to 16. Okay, so x plus 1 is equal to 16 plus 1, 17. Or x plus 2 is equal to 16 plus 2 is equal to 18. तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि the three consecutive whole numbers are 15, 16, 17 and 18. तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि तीन मुतवातिर आदाद जो हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 15, 16 और 17 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। या आप देख सकते हैं इसे कि 16, 17, 18 या 15, 16, 17 है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस डिजिट एट यूनिट प्लेस। If the number obtained by interchanging the digit is added to the original number, the sum is 66. So find the original number. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दो हिंसी अदद में दाही के मकाम का हिंसा इकाई के मकाम के हिंसे का दुगना है, ठीक है। तो हिंसों का मकाम आपस में तब्दील करने पर होने वाले अदद और असल अदद का मजमा 66 है, तो असल अदद यहाँ पर मालूम करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने फर्ज किया यहाँ पर सबसे पहले कि इकाई के मकाम का हिंसा जो है तो x है, ओके। लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बाय x, ओके। सो The digit at the tens place is twice the digit at the unit. दहाई के मकाम का हिंसा इकाई के मकाम के हिंसे का दुगना है, ओके। तो therefore the digit at the tens place is 2x. इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि दहाई के मकाम का हिंसा क्या हो जाएगा, 2x है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि असल अदद जो है वो क्या होगा, वो होगा 10 into 2x plus x is equal to 10 into 2 means 20x plus x is equal to 21x, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी मसावत नंबर
एक यहां पर बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हिंसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला आदत देखते हैं। ओके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, सो 2x, सो x एट द टेंथ प्लेस एंड 2x एट द यूनिट प्लेस। हम देखते हैं यहाँ पर कि 2x इकाई के मकाम पर और x जो है तो दहाई के मकाम पर हम लेते हैं इसे। तो किस तरह से हमारा यहाँ पर ये मसावात नया आदत हमारा किस तरह से बना है, द न्यू नंबर इज 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x, ठीक है। इस तरह से हमारा ये दूसरा स्टेप यहाँ पर तैयार हुआ है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर कि अब शर्त के मुताबिक एज पर द कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से हमें ये मिला है। ओके, तो आप देखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66, ठीक है, ये रिपीट हो गया है सेंटेंस। सो यहां पर हम देखेंगे कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66, इट मीन्स दैट 33x इज इक्वल टू 66। सो 6x इज इक्वल टू 66 अपॉन 33, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। ओके, सो द नंबर इज 21x इज इक्वल टू 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। सो यू विल सी द आंसर, द ओरिजिनल नंबर इज 42, ठीक है, असल अदद जो है तो 42 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो दिया हुआ है सम टिकट्स ऑफ 200 एंड सम टिकट्स ऑफ 100 ऑफ अ ड्रामा वेयर सोल्ड एट अ थिएटर, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 रुपीज, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वॉज 37,000, फाइंड द नंबर ऑफ 100 टिकट्स सोल्ड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है सवाल कि एक थिएटर पर ड्रामा के 200 और 100 रुपये वाले टिकट, कुछ टिकट फरोख्त हुए, 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद 100 रुपये वाले टिकटों की तादाद से 20 ज़्यादा फरोख्त हुई है, तो दोनों किस्म के टिकटों की थिएटर को 37,000 रुपीज़ जो है तो कीमत वसूल हुई है, तो 100 रुपये वाले टिकट कितने फरोख्त हुए वो हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फर्ज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट्स सोल्ड बी एक्स। ओके, यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि 100 रुपये वाले टिकट जो है तो एक्स टिकट फरोख्त हुए हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर फर्ज किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20, यानी हम देखेंगे यहाँ पर कि 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद जो है तो 100 रुपये वाले टिकटों की तादाद से 20 ज़्यादा है। ओके, इज मोर देन द टिकट ऑफ 100 सोल्ड, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ 200 टिकट्स सोल्ड इज x प्लस 20। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि फरोख्त होने वाले 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद x प्लस 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द टिकट इज 100x प्लस 200 इनटू ब्रैकेट x प्लस 20, यानी हम देखेंगे यहाँ पर कि फरोख्त होने वाले 200 टिकटों की तादाद जो है तो x प्लस 20 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द टिकट इज, यानी कि टिकटों की फरोख से थिएटर को हासिल होने वाली आमदनी कितनी है, तो वो है x प्लस 100x प्लस 200 इंटू ब्रैकेट x प्लस 20 है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे
कि थिएटर को टिकटों की फरोख्त पर 37,000 रुपीज हासिल हुए हैं ना, द अमाउंट इज 37,000 रुपीज है। सो 100x + 200 ((x + 20) = 37,000। सो यू विल सी दैट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी (x + 2)(((x + 20) = 370। ओके, सो तरफेन को जो है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 100 से तकसीम करने पर, ओके, (x + 2x + 40) = 370। सो 3x = 370 - 40 means 3x = 330. So x = 330/3 means x = 110। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 100 रुपये वाले टिकट जो है वो 110 टिकट फरोख्त हुए। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आएगा द आंसर इज दैट द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड वेयर 110 हेयर। ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, कि ऑफ द 3 consecutive numbers 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 times द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 मुतवातिर तबई आदाद में सबसे छोटे अदद का 5 गुना सबसे बड़े अदद के 4 गुना से 9 ज्यादा है, तो वो अदद मालूम कीजिए। ओके, ऑफ द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 times द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। सो यहाँ पर हम देखेंगे, लेट द 3 consecutive numbers नेचुरल नंबर्स बी (x, x+1) and (x+2)। यहाँ पर हमने फर्स्ट किया कि 3 मुतवातिर तबई आदाद कौन से हैं, x है, (x+1) है और (x+2) है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा अदद x है और सबसे बड़ा अदद जो है तो (x+2) है ना। x इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड (x+2) इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो एज पर द कंडीशन यू सी हेयर द 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर ((5x+4) ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ((4)(x+2) मीन्स 5x इज ग्रेटर देन द 4((x+2) बाय 9, ठीक है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे अदद का 5 गुना बराबर है 5x और सबसे बड़ा अदद के 4 गुना बराबर है 4 cos में x = 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5x और 4 cos में x = 2 से 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मसावात हमारी बनेगी किस तरह से, तो 5x = cos में 4 cos में x = 2 = 9। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से होगा, तो 5x = 4x + 8+9, therefore 5x - 4x = 17। सो यू विल सी दैट फाइनली x = 17। ओके, सो x + 1 = 17 + 1 = 18 and x + 2 = 17 + 2 = 19।
यानी हमें यहाँ पर यह बात समझ में आई, द थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 17, 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि मतलब तीन मुतवातिर तबई आदात कौन से हैं, 17, 18 और 19 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि राजू सोल्ड अ बाइसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग 54 रुपीज एंड देन सोल्ड द साइकिल टू निखिल फॉर रेट्स 1134 विद नो लॉस नो प्रॉफिट। सो फाइंड the cost price of the bicycle for which Raju purchased it। यहाँ पर क्या दिया है कि राजू ने एक साइकिल जो है तो 8% नफे पर अमित को फरोख्त की। अमित ने 54 रुपये खर्च करके इसे दुरुस्त करवाया। इसने वो साइकिल निखिल को 1134 रुपये में फरोख्त कर दी है। अमित को साइकिल की फरोख्त पर ना नफ़ा ना नुकसान हुआ। तो मालूम कीजिए कि राजू ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल दैट राजू परचेज बी एक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्ज किया कि राजू ने वो साइकिल एक्स रुपए में खरीदी थी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम द राजू सोल्ड इज बाइसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने इसे 8% नफे पर अमित को जो है तो फरोख्त कर दिया है। तो हमारा स्टेप यहाँ पर किस तरह से बनेगा, ये सो 8% प्रॉफिट ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स इन टू 8/100 इज इक्वल टू 2x/25, ठीक है। सो राजू सोल्ड द बाइसाइकिल टू अमित फॉर रुपीज x plus 2x/25 is equal to 27/25, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अमित स्पेंड 54 ऑफ रुपीज फॉर रिपेयरिंग, सो द कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल फॉर अमित इज 27x/25+54। अमित ने साइकिल को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर 54 रुपये लगाए हैं ना, तो इसलिए अमित के लिए जो साइकिल की खरीद कीमत है वो कितनी हो गई, 27x/25+54 हो गई है ना। सो यू सी दैट अमित सोल्ड द बाइसाइकिल टू निखिल फॉर रुपीज 1134, ठीक है। अमित ने इस साइकिल को जो है तो 1134 रुपये में निखिल को ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर फरोख्त किया है ना। सो यू सी हेयर दैट 27x/25+54 इज इक्वल टू 1134। सो यू विल गेट हेयर द स्टेप लाइक दिस, 27x/25 इज इक्वल टू 1134-54। So you will get here after doing the subtraction to 27x/25 is equal to 1080, means x is equal to 1080 into 25/27. So finally you will get here the answer 40 into 25, it means x is equal to 1000. यानी इस समय यहाँ पर क्या समझ में आया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल टू राजू इज 1000 रुपीज, यानी राजू ने वो साइकिल जो है तो 1000 रुपये में खरीदी थी, ये हमें यहाँ पर जवाब हासिल होगा, ठीक है। इस तरह से
इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड इन द सेकंड मैच फाइंड द सॉरी अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकंड मैच फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच so that the average of runs in the three match be 230. क्या सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 180 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 257 रन बनाए, तीसरे मुकाबले में इसे कितने रन बनाने होंगे कि मुकाबलों में बनाए हुए रनों का औसत जो है तो 230 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट किया है कि लेट द क्रिकेटर स्कोर एक्स रन्स इन द थर्ड मैच, हमने फर्स्ट किया कि क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है तो तीसरे मुकाबले में एक्स रन बनाए हैं। ओके, द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इज 180 प्लस 257 प्लस एक्स, इस खिलाड़ी के जरिए तीन मुकाबलों में बनाए गए रनों की तादाद कितनी है, तो वो हो गई है 180 प्लस 257 प्लस एक्स, हमने रिज्यूम किया है ना थर्ड मैच के लिए, फर्स्ट मैच के लिए 180 देन सेकंड मैच के लिए 257 रन से, ओके प्लस थर्ड का हमें मालूम करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पर द एवरेज ऑफ द थ्री मैचेस इज 230, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तीनों मुकाबलों के रनों का औसत जो है तो 230 है, सो द टोटल ऑफ थ्री मैचेस, यहाँ पर तीनों मुकाबलों के रनों का औसत अगर हम देखें यहाँ पर की तादाद अगर हम यहाँ पर मालूम करें तो वो हमें कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 230 इंटू 3 करें तो 690 हमें मिलती है। ओके, सो देयरफॉर 180 प्लस 257 प्लस एक्स इज इक्वल टू 690, so x is equal to 690 minus 180 minus 257 means x is equal to 253, यानी हमें यहाँ पर क्या समझ में आया है कि क्रिकेट खिलाड़ी को तीसरे मुकाबले में 253 रन बनाने होंगे। ओके, द क्रिकेटर शुड स्कोर 253 रन इन द थर्ड मैच, ओके लाइक दिस। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुधीर्स एज इज 5 टाइम मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज to the 3 times Anil's age is 5:6, then find the Viru's age. Okay, यहाँ पर अगर हम गौर करें सवाल पर तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि सुधीर की उम्र वीरू की उम्र के 3 गुना से 5 ज्यादा है। ठीक है, तो अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है। ठीक है, तो सुधीर की उम्र और वीरू की उम्रों के मजमुए और अनिल की उम्र के 3 गुना की नस्बत 5:6 है, तो वीरू की उम्र मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट द एज ऑफ वीरू बी एक्स ईयर देन द एज ऑफ सुधीर इज 3x + 5 years। फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि वीरू की उम्र x साल है, ठीक है, तब सुधीर की उम्र जो है तो 3x + 5 साल होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है, द अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। ओके, सो अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अनिल एज इज 3x + 5/2 years, ओके
यहाँ पर आप देखेंगे द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एजेस आर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव एजेस। ओके, यहाँ पर हम सुधीर और वीरू की उम्रों का मजमुआ अगर देखेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं थ्री टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल टू थ्री इंटू ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन टू ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनिल की उम्र का तीन गुना यानी तीन कॉस में तीन एक्स जमा पाँच बटे दो साल है। ठीक है, अब शर्त के मुताबिक अगर हम देखें फ्रॉम द कंडीशन सो यू विल सी दैट फोर एक्स अपॉन फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छः कॉस में चार एक्स जमा पाँच बराबर पाँच जमा तीन कॉस में तीन एक्स जमा पाँच बटे दो। तो तिरछी तरतीब तिरछी जो है तो ज़रब करने पर हम देखेंगे यहाँ पर तरतीब इस तरह से हो जाएगी थ्री टू इंटू सिक्स इंटू ब्रैकेट फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू थ्री इंटू ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फाइव। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि तरफेन को दो से ज़रब करने पर हमें स्टेप यहाँ पर क्या मिलेगा सो फोर इंटू ब्रैकेट फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फाइव। अब हम यहाँ पर तरफेन को जो है तो तीन से तकसीम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या स्टेप मिलेगा सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। सो सिक्सटीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सो एक्स इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वीरू की उम्र जो है तो पाँच साल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। ओके, द वीरू एज इज फाइव ईयर्स। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो सवाल आपको समझाए हैं वो आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवाल की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और इसे हल करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।